हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस बहुत बार एग्जाम में एकेटीव के एग्जाम में तो अक्सर पूछा जाता है। एरिथ्रोपोइसिस एरिथ्रोपोइसिस है क्या भाई? एक इस पे टर्म है हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस का मतलब हुआ कि इट रिफर्स टू फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स आप अगर कहते हैं तो उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों सब तरह के आ जाते हैं। तो हम एक स्पेशल आरबीसी फॉर्मेशन समझेंगे एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स या एरिथ्रोसाइट्स, या कह सकते हो इट रिफर्स टू फॉर्मेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स और रेड ब्लड सेल्स। तो इस एरिथ्रोपोइसिस ये कहाँ होती है? हम सबको पता है कि आरबीसी का फॉर्मेशन रेड बोन मैरो में होता है, ठीक है। तो रेड बोन मैरो में एक चीज तो हमें ये पता है कि रेड बोन मैरो में आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। आरबीसी का, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी का भी फॉर्मेशन रेड बोन मैरो में होता है। मोस्टली जो लॉन्ग बोन्स हैं या फ्लैट बोन्स हैं उनमें ये रेड बोन मैरो होते हैं और वहाँ पे ये एरिथ्रोपोइसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी का प्रोसेस होता है, ठीक है। दूसरी चीज ये हमें पता है कि भाई सारे सेल्स में न्यूक्लियस होते हैं, लेकिन मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होते हैं, ठीक है। मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होते हैं। न्यूक्लियस क्या, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स, मोस्टली सेल ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते हैं। लेकिन जो आरबीसी का जो पेरेंट सेल है, जो स्टेम सेल्स है, यानी आरबीसी के जो एंसेस्टर्स हैं, एंसेस्टर सेल्स, उनमें ये सेल्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है, सेल ऑर्गेनेल्स होता है, ठीक है। जैसे हम लोगों में कहा जाता है कि भाई हमारे एंसेस्टर्स में पूंछ हुआ करती थी, लेकिन अब पूंछ गायब हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई। तो वैसे ही इनके डेवलपमेंट में इनका न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल्स भी एक्सटिंक्ट कर जाते हैं। तो यही एरिथ्रोपोइसिस का जो स्टेप्स है वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे ये स्टेप बाई स्टेप, कैसे ये आरबीसी में कन्वर्ट होता है, कैसे ये मैच्योर आरबीसी बनता है। तो जो इनका जो स्टेम सेल्स है, जो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स कहते हैं, पेरेंट सेल्स होते हैं, वो उनको कहते हैं हीमोसाइटोब्लास्ट। जो फर्स्ट सेल्स है, जो एंसेस्टर्स हैं इनके, ये है नाम इनका है हीमोसाइटोब्लास्ट। ये एक बिग इंडोथेलियल सेल्स होते हैं। इनमें नॉर्मल सेल्स की तरह न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है और अदर सेल ऑर्गेनेल्स होता है। साइटोप्लाज्मिक कंटेंट पूरे होते हैं जैसे नॉर्मल सेल्स में होता है और साइज में ये लार्ज होते हैं। इनका साइज लगभग 18 to 23 माइक्रोन के बीच में होता है, 18 to 23 माइक्रोन होता है। इन तो ये एक तरह का नॉर्मल सेल्स हैं। न्यूक्लियस होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, सेल जो गाल्जी बॉडी है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो सारी चीजें होंगी, लेकिन इनमें कोई हीमोग्लोबिन का कंटेंट नहीं है। हीमोग्लोबिन इसमें बिल्कुल नहीं है। साइज में भी लार्ज होते हैं। तो ये इनिशिएटिंग सेल्स हैं। इन्हीं को हम प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स कहते हैं, ठीक है। इन्हीं को हम पेरेंट सेल्स कहते हैं। अब हीमोसाइटोब्लास्ट फिर मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई होकर बनाता है मेगेलोब्लास्ट। मेगेलोब्लास्ट जब अगला फेज आता है, मेगेलोब्लास्ट जब बनता है तो इनका साइज थोड़ा छोटा हो जाता है। साइज हो जाता है 14 टू 19 माइक्रोन का होता है। न्यूक्लियस और ये सारे ऑर्गेनेल्स लगभग सेम रहते हैं, नॉर्मल रहते हैं, लेकिन इनका जो साइज है वो मल्टीप्लाई होने के बाद छोटा हो जाता है और ये बन जाते हैं मेगेलोब्लास्ट, ठीक है भाई। तो मेगेलोब्लास्ट या इनको हम कह सकते हैं प्रोएरिथ्रोब्लास्ट, दूसरा नाम इनका है प्रोएरिथ्रोब्लास्ट। अब ये जब मैच्योरेशन होंगे, आगे फर्दर प्रोसेस जब होगा, आगे मेगेलोब्लास्ट के अगले फेज में जब जाएंगे ये, तो इनको चाहिए फॉलिक एसिड, विटामिन B12। अगर विटामिन B12 या फॉलिक एसिड की कमी हो गई तो ये फर्दर सही से मैच्योर नहीं हो पाते हैं, तो हमें एनीमिया भी हो जाता है। तो मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया भी कह जाते हैं उसको, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया हो गया, यानी कि मेगेलोब्लास्ट का सही से वो कन्वर्जन नहीं हुआ, एक सही से मैच्योर आरबीसी नहीं बन रहा है, ठीक है। तो साइज में लार्ज रह जाते हैं ये। तो ये साइज में मेगेलोब्लास्ट थोड़ा हीमोसाइटोब्लास्ट से नीचे छोटे हो जाते हैं और फिर इनको फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की मदद से ये फर्दर ग्रोथ करते हैं, फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं और बन जाते हैं एरिथ्रोब्लास्ट, ठीक है। मेगेलोब्लास्ट कन्वर्टेड इनटू एरिथ्रोब्लास्ट, ठीक है। तो एरिथ्रोब्लास्ट में अर्ली फेज, लेट फेज होगा, अर्ली फेज और लेट फेज होगा इसमें। अब यहाँ पे क्या चेंजेस आते हैं देखिए, जो इनका जो न्यूक्लियस है, यहाँ भी फ्यू माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, जो न्यूक्लियस है वो कंडेंस्ड होना शुरू हो जाएगा, कंडेंस्ड होते हैं, ठीक है, तो कंडेंस्ड होकर न्यूक्लियोलस होगा। अभी अभी इनके पास न्यूक्लियोलस है लेकिन ये कंडेंस्ड हो जा रहे हैं। ठीक है, कंडेंस्ड होने के बाद इनका जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट भी उसमें अब आरबीसी हीमोग्लोबिन के ट्रेसेस आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियोलस है, इनके पास आरएनए है, मैसेंजर आरएनए बनाए देंगे और ये फिर हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है। यानी ट्रेसेस, जो हीमोग्लोबिन का ट्रेसेस यहाँ पे दिखाई पड़ता है, ये एरिथ्रोब्लास्टिक स्टेज में दिखाई पड़ने लगता है। हीमोग्लोबिन कंटेंट यहाँ पे थोड़ा थोड़ा शुरू हो जाएगा। मान लो ये है हीमोग्लोबिन का कंटेंट, ट्रेसेस शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और जो न्यूक्लियस है वो कंडेंस्ड हो जाएगा। एक सेंट्रिक, एक तरह से समझ लीजिए सेंटर से थोड़ा सा खिसकने लगेंगे, सेंट्रली होते हैं ना, एक सेंट्रिक न्यूक्लियस होगा यहाँ पे, कंडेंस्ड और एक सेंट्रिक न्यूक्लियस। एक सेंट्रिक मतलब क्या होता है, सेंटर में ना होके थोड़ा सेंटर से साइड होने वाला है, थोड़ा सा साइड हो रहा है। देखिए एक सेंट्रिक हो रहा है ना, तो अर्ली और लेट फेज इनका साइज भी और कम हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा साइज। क्या हो जाएगा, 11 to 17 माइक्रोन। तो ये एरिथ्रोब्लास्ट। अब इस फेज को, एरिथ्रोब्लास्टिक फेज को भी बहुत सारा कंटेंट चाहिए, आयरन चाहिए, कोबाल्ट चाहिए, कॉपर चाहिए, विटामिन सी चाहिए, थायरोक्सिन हार्मोन चाहिए। ये जो सब चीज़ें हैं वो एक तरह से आरबीसी की जो मल्टीप्लिकेशन है उसको, ये ग्रोथ को बढ़ाते हैं। यानी जो हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं ये कॉपर, कोबाल्ट, विटामिन सी, थायरोक्सिन, आयरन, है ना, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, ये सारा कंटेंट चाहिए। किसके लिए, हीमोग्लोबिन की जो सिंथेसिस है उसको इंक्रीज करने के लिए चाहिए। तो इस वाले फेज में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से अगर एरिथ्रोब्लास्ट से अगले फेज में जाने के लिए वो सारे चीजें चाहिए, विटामिन सी, कोबाल्ट, कॉपर, आयरन और हार्मोन भी है, थायरोक्सिन। अगर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी भी हो जाएगी तो फर्दर ग्रोथ नहीं हो पाता है, सही से ग्रोथ आरबीसी का ग्रोथ नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये एरिथ्रोब्लास्टिक फेज से अब ये नॉर्मोब्लास्ट में आएगा। नॉर्मोब्लास्ट यानी एरिथ्रोब्लास्ट से अब ये नॉर्मोब्लास्ट बनेगा। ये भी एक तरह का, इसको हम कह सकते हैं एक तरह से, ये जो न्यूक्लियस है, अब इनका न्यूक्लियस यहाँ से डीजनरेट स्टार्ट हो गया। इनका डीजनरेशन, न्यूक्लियस का डीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है और जो मोस्टली सेल ऑर्गेनेल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ये सब डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, इजेक्ट आउट हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स इजेक्ट आउट फ्रॉम द सेल। तो यहाँ नॉर्मोब्लास्ट में हम देखेंगे कि ये पूरा कॉन्टेंट, यहाँ पे हीमोग्लोबिन सिंथेसिस बढ़ गई। यहाँ पे क्या था कि हीमोग्लोबिन के ट्रेसेस आ गए थे, लेकिन नॉर्मोब्लास्ट में ये हीमोग्लोबिन का जो कंटेंट है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। यानी कि ये जो साइटोप्लाज्मिक स्पेस है वहां पे हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है, सेल ऑर्गेनेल्स इजेक्ट आउट हो जाते हैं, न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। तो ये सारी प्रोसेस होते हैं नॉर्मोब्लास्ट में। और साइज फर्दर देखिए, 11 to 17 था, अब यहाँ 10 to 14, यानी साइज ये क्या होता जा रहा है, जैसे जैसे अंदर आते हैं ये साइज रिड्यूस्ड होता जा रहा है। बिग इंडोथेलियल था, ये साइज एकदम रिड्यूस्ड होता जा रहा है। अब इस नॉर्मोब्लास्ट में हमें याद रखना है कि न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो जा रहा है, सेल ऑर्गेनेल्स इजेक्ट आउट हो चुके हैं, हीमोग्लोबिन कंटेंट बहुत बढ़ चुका है, इंक्रीज हो गया है, तो इंक्रीज हीमोग्लोबिन। अब ये नॉर्मोब्लास्ट अगले फेज में जाएगा तो इसको कहेंगे रेटिकुलोसाइट। रेटिकुलोसाइट्स का मतलब ये हुआ कि इनका जो न्यूक्लियस है वो कंप्लीट डिसइंटीग्रेट हो गया है। कुछ ट्रेसेस बचेंगे तो बचेंगे, नहीं तो ये कंप्लीटली एक तरह से डिसइंटीग्रेट हो गए, सारे सेल ऑर्गेनेल्स डिसइंटीग्रेट कर गए। रेटिकुलोसाइट्स में कोई सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है, कोई न्यूक्लियस नहीं है और ना ही इसमें कोई तरह का साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है। पूरा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट में हीमोग्लोबिन आ गया है। यानी हीमोग्लोबिन ऑक्युपाइज होल साइटोप्लाज्मिक कंटेंट। तो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट अब कुछ नहीं है, सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है, न्यूक्लियस नहीं, अब ये पूरा क्या है, ये हीमोग्लोबिन। यहाँ हीमोग्लोबिन बनना स्टार्ट हुआ था, इस वाले में इंक्रीज हो गया था और इसमें पूरा स्पेस ऑक्युपाइड बाय हीमोग्लोबिन। तो ये रेटिकुलोसाइट साइज फर्दर रिड्यूस हो गया है और यहाँ पे शेप, डम्बल शेप जिसको कहते हैं, डम्बल शेप्ड, वो लेना स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि कोई न्यूक्लियस नहीं, कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं, तो सेल शेप को मेंटेन करने वाले जो सेल ऑर्गेनेल्स थे वो डिसइंटीग्रेट हो गए, इसलिए सेल शेप इनका चेंज हो गया है। कैसा हो गया है, डम्बल शेप हो गया है। ठीक है, तो इनको भी हम एक तरह से ये सेम आरबीसी जैसे ही हैं, लेकिन ये रेटिकुलोसाइट्स अभी भी रेड बोन मैरो में हैं, इसीलिए इनका नाम अभी आरबीसी नहीं पड़ा है। ये रेटिकुलोसाइट्स हैं, इनका पूरा स्ट्रक्चर आरबीसी से, मैच्योर आरबीसी से मिलता है, लेकिन रेटिकुलोसाइट्स और इनके मेन डिफरेंस यही है कि ये अभी रेड बोन मैरो में ही हैं, और ये जब रेड बोन मैरो से ब्लड स्ट्रीम में, यानी रेड बोन मैरो से जब अब ये ब्लड सर्कुलेशन में आ जाएंगे, जब ये रिलीज होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन में आ जाते हैं, तो इन्हीं का नाम रहा हो गया आरबीसी, एरिथ्रोसाइट्स। डम्बेल शेप्ड है, इनका जो डम्बेल लंबाई वाला जो पार्ट है वो 7 माइक्रॉन होगा, लगभग 7.5 माइक्रॉन, और जो इधर वाला पार्ट है वो 2 माइक्रॉन का होगा। तो सेमी सर्कुलर कह सकते हैं इनको, डम्बेल शेप्ड कह दे सकते हैं, मैच्योर आरबीसी भी कह सकते हैं इनको। मैच्योर आरबीसी में कोई न्यूक्लियस नहीं है, कोई सेल ऑर्गेनिज नहीं है, पूरा कॉन्टेंट क्या है इसमें, हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन जिसके अंदर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है, यही आरबीसी का काम है जो मेन, कि सारे सेल्स को, सारे टिश्यूज को, सारे ऑर्गन्स को ऑक्सीजन सप्लाई करना, क्योंकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। इसके साथ हीमोग्लोबिन में आयरन होते हैं, आयरन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है और वो फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है और सारे टिश्यूज को पहुंचाता है ब्लड ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये एक तरह से स्टेप्स इन्वॉल्व इन एरिथ्रोपोइसिस, स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहा है। हेमोसाइटोब्लास्ट, मेगालोब्लास्ट, एरिथ्रोब्लास्ट, अर्ली एंड लेट, फिर नॉर्मोब्लास्ट, रेटिकुलोसाइट्स एंड देन मैच्योर आरबीसी। और साइज रिड्यूस हो रहा है, बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। हमने नोट्स में बिल्कुल उसको स्टेप बाय स्टेप नोट्स में हमने इसको मेंशन कर दिया है। यूनिट 3 के नाम से वहाँ पे टेलीग्राम में मैंने नोट्स डाल दिया है, आप वहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद ये वीडियो देखने के बाद अगर आप नोट्स पढ़ेंगे तो बिल्कुल 100% एकदम समझ में आ जाएगा। अब बात होती है कि भाई ये आरबीसी बनना तो स्टार्ट हो गया है, बन रहा है, लेकिन कैसे कंट्रोल किया जाएगा। आरबीसी का हमारे ब्लड में काउंट बढ़ा भी नहीं होना चाहिए और घटा भी नहीं होना चाहिए। तो डिक्रीज अगर काउंट है, आरबीसी का काउंट कम है, तो हम एनीमिक हो सकते हैं क्योंकि हीमोग्लोबिन कॉन्टेंट नहीं रहेगा, तो एनीमिया कहते हैं। अगर आरबीसी बढ़ गया है, काउंट आरबीसी ज़्यादा है, हमें पता है आरबीसी 4.5 टू 6 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर में आना चाहिए, तो अगर इससे बढ़ गया तो उसको कहते हैं पॉलीसाइथीमिया। तो बढ़ा भी नहीं होना चाहिए, डिक्रीज भी नहीं होना चाहिए, तो हमें एक होम्योस्टैसिस जिसको कहते हैं वो मेंटेन करना। तो एक इसी तरीके का उदाहरण हम होम्योस्टैसिस, कैसे ये मेंटेन हो रहा है, कैसे रेगुलेट हो रहा है इसका आरबीसी फॉर्मेशन, हम इसका कंट्रोल ऑफ एरिथ्रोपोइसिस, कैसे इस एरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस को कैसे कंट्रोल करते हैं, ये हम समझा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सपोज कर लीजिए कि एरिथ्रोपोइसिस अगर कम हो गई, सॉरी एरिथ्रोसाइट्स अगर कम हो गया, आरबीसी कम हो गया, तो हीमोग्लोबिन कम होगा, हीमोग्लोबिन होगा कम तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज होगी, यानी टिश्यूज को सप्लाई नहीं हो पाएगा, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी। तो उस केस को कहते हैं डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू टिश्यू, डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू टिश्यूज, इसको कहते हैं टिश्यू हाइपॉक्सिया। हाइपॉक्सिया का मतलब डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन, क्लियर है? डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन ही टिश्यू हाइपॉक्सिया है। तो इसका मतलब टिश्यू हाइपॉक्सिया एक स्टिमुलस का काम करता है, किसी भी चेंजेस को मार रहा है तो उसके लिए कोई स्टिमुलस होगा। तो ये स्टिमुलस है, जो प्राइमरी स्टिमुलस है आरबीसी फॉर्मेशन के लिए, वो है टिश्यू हाइपॉक्सिया। अगर हम हाई एटीट्यूड पे जाते हैं, ऊंचाई पे जाते हैं, तो हमारी जो है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, क्योंकि ऊपर जाते हैं जब, तो क्या होता है कि ऑक्सीजन का लेवल कम होता है। ऑक्सीजन का लेवल कम होगा तो हम ऑक्सीजन भी ले कम पाएंगे भाई। तो उस ऊंचाई पे जब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, हमारे टिश्यूज को ऑक्सीजन कम मिलने लगता है, तो उसी को कहते हैं टिश्यू हाइपॉक्सिया। और वो एक तरह से स्टिमुलस, वो कहता है कि भाई आरबीसी बढ़ाओ। बॉडी को नहीं पता है कि यहाँ ऑक्सीजन का लेवल कम है, लेकिन बॉडी को तो इतना पता है कि सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो हमें आरबीसी की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब तो आरबीसी बढ़ा रहा है। तो किसी भी कंडीशन में, या हीमोरेजिक डिजीज में जहाँ पे आरबीसी कम हो जा रहा है, या किसी इन्फेक्शन में, या हाई एटीट्यूड पे जहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही है, तो वहाँ पे इसी के ये जो कंडीशन तैयार होती है टिश्यू हाइपॉक्सिया, डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू टिश्यू, यही क्या करता है, स्टिमुलेट करता है किडनी को। किडनी स्टिमुलेट होती है और किडनी से फिर रिलीज होता है एक हार्मोन जिसको हम कहते हैं एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। याद रहे टिश्यू हाइपॉक्सिया किडनी को स्टिमुलेट करेगा और रिलीज कराएगा एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन। एरिथ्रोपोएटिन फिर ये क्या करेगा, ब्लड के थ्रू जाएगा रेड बोन मैरो में और रेड बोन मैरो को कहेगा भैया ये एरिथ्रोपोएसिस कराओ। एरिथ्रोपोएसिस कराने वाला हार्मोन एरिथ्रोपोएटिन। एरिथ्रोपोएटिन क्या करेगा, रेड बोन मैरो को स्टिमुलेट करेगा, एरिथ्रोपोएसिस होगी। एरिथ्रोपोएसिस का मतलब आरबीसी फॉर्मेशन होगा, आरबीसी का कंटेंट बढ़ेगा, आरबीसी इंक्रीजेस। अब आरबीसी बढ़ जाएगा तो हीमोग्लोबिन भी बढ़ेगा, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। जो टिश्यू हाइपॉक्सिया वाला वो कंडीशन था वो रिवर्स होगा। अब रिवर्स हो जाएगा तो टिश्यू हाइपॉक्सिया ओवरकम हो जाएगा, तो फिर भी यह वो किडनी को इनहिबिट कर देगा, किडनी को इनहिबिट करेगा कि अब एरिथ्रोपोएटिन की जरूरत नहीं है, आरबीसी नॉर्मल हो गया, कंटेंट का नॉर्मल हो गया, फिर से एरिथ्रोपोएटिन डिक्रीज होगा, फिर से वो प्रोसेस आरबीसी फॉर्मेशन कम होता जाएगा। तो फिर इसी तरीके से डिक्रीज इंक्रीज होता जाएगा। एक होम्योस्टेसिस जो मेंटेन हो रही है, कंट्रोल ऑफ एरिथ्रोपोएसिस, कंट्रोल ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन, वो स्टिमुलस है टिश्यू हाइपॉक्सिया, और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ेगा तो टिश्यू हाइपॉक्सिया डिक्रीज होगा। तो ये हो गया कंट्रोल। इसी स्टेप्स में कंट्रोल लिखना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन एरिथ्रोपोएसिस, डिस्कस स्टेप्स इन्वॉल्व इन एरिथ्रोपोएसिस एंड कंट्रोल ऑफ एरिथ्रोपोएसिस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम और लेक्चर के साथ आएंगे। इसका नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, बहुत शॉर्ट नोट्स है और कंसाइज और ब्रीफ नोट्स है, तो आप इसको डिस्कस कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।